जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमारी श्रृंखला हमने शुरू कर दी है लगन भाव के स्वामी और साथ में केतु देवता की प्लेसमेंट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई थी कि सर आपने राहु पर तो बहुत जोर दे दिया है, कृपया केतु के बारे में भी जानकारी दें। अगर किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। कल हमने बात की थी मेष लग्न की कुंडली के बारे में और केतु की साथ प्लेसमेंट के बारे में। आज प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली यानी टॉरस लग्न की कुंडली। टॉरस लग्न की ये इसलिए बनी क्योंकि लग्न भाव में दो नंबर लिखा है, पहले घर में दो नंबर वृषभ राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर शुक्राचार्य की युति केतु देवता के साथ बनी हो तो अलग अलग भावों में ये कैसा रिजल्ट देता है। पहली बात, अगर प्रिय दर्शकों ये लग्न में युति बनी पड़ी होगी जहाँ शुक्राचार्य मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी और क्षमता के मुताबिक अपनी दशा अंतरदशा में आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे, वहीं उनका पॉजिटिव फल केतु देवता साथ में अपनी नीच राशि के बैठ करके उनके पॉजिटिव रिजल्ट देने में उन्हें रोकेंगे। तो यहाँ केतु नीच राशि में होने की वजह से अगर आप केतु देवता की शांति करवाते हैं तभी शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में आपको सक्षम होंगे। दर्शकों, शुक्राचार्य लग्न में मालव्य नाम का जो योग बनाएंगे वो जातक को चौतरफा लाभ, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हर सुख सुविधा से संपन्न, लव रोमांस में कामयाबी, ऐसी सारी स्थितियां देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, शुक्र देवता और केतु देवता दूसरे भाव में मिथुन राशि के पड़े हो, यहाँ भी केतु देवता को नीच की पदवी प्राप्त है, यहाँ भी केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो सदैव धन का नुकसान करेगी, परिवार से जातक को दूर ले जाएगी, परिवार में मनमुटाव होने का योग बनता है और जातक की वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग बनता है जो सामने वाला सुनना कभी भी पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, दूसरे भाव में पड़े हुए शुक्र देवता की दशा अंतरदशा आपको सदैव लाभ देती मिलेगी, परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा मीठी वाणी बोलने वाला होता है जो सामने वाले पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा जल्दी डाल लेता है। तो जहाँ शुक्रदेव दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, वहीं केतु देवता अपनी नीच राशि में होने की वजह से दूसरे भाव में पड़े हुए सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को अपनी दशा अंतरदशा में देते हुए मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र देवता और केतु देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। शुक्राचार्य लग्न लॉर्ड होकर चौथे भाव में आए हैं लेकिन केतु देवता सिंह राशि में आए हैं, अपने अति शत्रु राशि में आए। जहां केतु देवता माता को प्रॉब्लम, माता से प्रॉब्लम, घर गाड़ी वाहन भूमि मकान सब लेने में प्रॉब्लम देंगे, इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। कहने का तात्पर्य कि शुक्र देवता चौथे भाव में आए हुए एडवांटेज के रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में देंगे और केतु देवता चौथे भाव में आए हुए अपने अति शत्रु सूर्य देव के घर आए हैं तो अपनी दशांतरा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, शुक्र देवता की डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि में लाने में सहायक होगी, लेकिन केतु देवता की डाली हुई दृष्टि दशम भाव पर हमेशा कामकाज को बिगाड़ती ही मिलेगी। शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में कामकाज तरक्की में आने का योग बनता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलने का योग बनता है, हायर डेजिग्नेशन हायर रैंक पे जाने का योग बनता है, लेकिन केतु की दशा अंतरदशा में इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, चलता चलता काम रुकने की कगार पे आ जाता है, जातक की जल्दी प्रमोशन नहीं हो पाती, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल पाते, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर डालकर केतु देवता की दृष्टि सदैव जातक को देती है अपनी दशा अंतरदशा। दर्शकों, यही केतु देवता और शुक्र देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो,
अब यहाँ प्रिय दर्शकों स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी। बदल इसलिए जाएंगी क्योंकि शुक्र देवता अपनी नीच राशि में आ गए हैं और केतु देवता अपने अति मित्र बुध देवता के घर में आ गए हैं। केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, जातक के लिए माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, लवर मास में कामयाबी दे करके, अनसर्टेन गेंस दे करके, माइंड मेमोरी विल पावर को अच्छा करके, संतान सुख से परिपूर्ण करने में केतु देवता की दशा अंतरा सहायक होगी। लेकिन शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, ऐसे सारे नुकसान वाले रिजल्ट उसकी नीच राशि होने की वजह से शुक्राचार्य देते ही मिलेंगे। कहने का तात्पर्य, जहां केतु देवता अपने अति मित्र बुध देव के घर आकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहीं शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, केतु देवता की डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएगी, यहाँ पर धन का आगमन जातक को करवाती रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी और जातक की इच्छा पूर्ति करने में केतु देवता की दशांतरा सदैव लाभान्वित करेगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य देवता की दशांतरदशा जब भी चली, शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, धन का आगमन होता होता रुक जाएगा, धन का अभाव बनने का योग बनता है, जातक का बड़े भाई बहन से क्लेश होने का योग बनता है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने का योग बनता है, जातक को इच्छा पूर्ति करने में भागदौड़ करता है तो वो इच्छा उसकी जल्दी पूरी वो होने ही नहीं देते। दर्शकों यही शुक्र देवता और केतु देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में विराजमान होने से केतु देवता अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, शुक्राचार्य लगन लॉर्ड होकर सप्तम भाव में आ गए हैं, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा डेली वेजेस के नित नवे रस्ते खोल करके, दाम्पत्य सुख डेली वेजेस और पार्टनरशिप में भी हमेशा मधुर संबंध बना के कामकाज की तरक्की के योग दोनों ही ग्रह बनाएंगे। और प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य का ये कारक भाव भी है जिसकी वजह से दोनों ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी लगन पर दृष्टि डाली तो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना देंगे, सामने वाले से बहुत सॉफ्टली बड़े आराम से बात करके जातक अपनी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर लेता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर लेता है। जातक एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी होता है, सामने वाले को बहुत जल्दी वो पर्सनैलिटी प्रभावित कर लेती है। दर्शकों यही शुक्र देवता और केतु देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, शुक्र देवता मूल त्रिकोण भाव के स्वामी होकर, मूल त्रिकोण भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण में आए हैं और केतु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देते मिलेंगे। पिता से आशीर्वाद लेकर ऐसी दशाओं में काम किया जाए वैसे तो सदैव ही लेना चाहिए, अगर इस दिशा में लेकर किया जाए तो और ज्यादा लाभ मिलता है। कामयाबी जातक के कदम चूमती है, धर्म को जातक मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है, ऐसा जातक नवम भाव संबंधी भाग्यवान होकर सारे एडवांटेज के रिजल्ट केतु देव की दशा अंतरदशा में भी, शुक्र देव की दशा अंतरदशा में भी अवश्य अर्जित कर लेता है। दर्शकों यही शुक्र देवता और केतु देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से शुक्र देव भी और केतु देवता भी दोनों के ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक उस जातक को सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन होना, कामकाज में नया आयाम, नए रास्ते बनना, कामकाज का सर्कल बढ़ना, नया डेजिग्नेशन होना, हायर रैंकिंग पे जाना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां जातक के लिए दोनों ग्रह अपनी दशांतर दशा में अवश्य ही क्रिएट करते हैं। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में दोनों ही ग्रह जातक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और जातक के अगर सुख सुविधाओं में कमी होगी तो दोनों ग्रहों की दशांतर दशा चौथे भाव पर दृष्टि डालकर उसकी सारी सुख सुविधाओं को पूर्ण करने में सहायता करते ही मिलेंगे। दर्शकों यही शुक्र देवता और केतु देवता अगर कुंडली के ग्यारहवें भाव में पड़े हों, यहाँ शुक्र देव अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं और केतु देवता बृहस्पति देव के घर आए हैं, केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी,
वो सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी। जातक के लिए बड़े भाई बहन से क्लेश होना स्वाभाविक सी बात है। इच्छा पूर्ति केतु की दशांतर में जल्दी कभी नहीं होगी। केतु की दशांतर दशा में जातक के लिए केतु देवता धन का अभाव बनाई रखेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी लगी ही रहती है जातक को। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, जब भी शुक्राचार्य की दशांतर दशा चलेगी, वो जातक को धन का आगमन करवाएंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएंगे, कामयाबी भी मिलेगी। जातक की हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ पर आए हुए शुक्राचार्य धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाते ही रहेंगे और जातक कोई भी इच्छा कर ले, इच्छा पूरी करने में सदैव शुक्राचार्य सहायता करते ही मिलेंगे जातक की। और प्रिय दर्शकों, केतु यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे 11वें भाव में, क्योंकि वह ही शत्रु के घर आए हैं और शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि में 11वें भाव में आए हैं, जिसकी वजह से वो सदैव अपनी दशांतर दशा में अपनी क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में मैंने उसका व्याख्यान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए दोनों ही ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको नेगेटिव फल ही देते मिलेंगे। इस बात को विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। और प्रिय दर्शकों, आज अगर आप ये एपिसोड 31 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कल धनतेरस का दिन है और मैंने आपसे कई एपिसोड से वादा किया है कि धनतेरस वाले दिन आपको कुछ छोटे से प्रयोजन ऐसे बता पाऊं जिसकी वजह से वो प्रयोजन करके आप लक्ष्मी माता की कृपा के पात्र सदा बन सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इतने प्रोग्राम इतने टीवी चैनल्स पर आते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स तो पहले से ही चीज़ें बेचने का माध्यम बन जाते हैं। वो प्रोग्राम कम रहते हैं, वो चीज़ें बेचने का माध्यम ज़्यादा बन जाते हैं। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, यंत्र मंत्र सांप सिक्के सब इसी में बेचे जाते हैं। लेकिन आपका खुद का किया हुआ पाठ और खुद का क्रिया प्रयोजन ही आपको दिवाली का लाभ देने वाला है। वो उन लोगों का बिजनेस है, उन्होंने चीज़ें बेचनी हैं। आप अगर सही मायने में लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद पाठ करने की आदत डालिए और कल मेरी कोशिश रहेगी कि उसकी सारी विधि आपको विधि पूर्वक ही बता पाऊं, ताकि खुद करें और खुद लाभान्वित हों। और कल प्रिय दर्शकों, एक और खुशखबरी भी देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, कल के एपिसोड में आप देख लीजिए। और हाँ प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी कारणवश मॉर्निंग टाइम में आप ये एपिसोड ना देख पाएं तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड मॉर्निंग ही हमारी कोशिश रहती है कि अपलोड कर लिया जाए, ताकि उसे देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें और सही दिशा में अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर विज्ञान के इस उजाले में आकर के अपने जीवन यापन को आसान करने में ये विद्या आपके लिए मददगार सिद्ध हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, कल हमारा एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति के योग, धनतेरस की बधाई कल मैं आपको अवश्य दूंगा। आज उसकी प्रिपरेशन अवश्य करके रखेगा, कॉपी पेंसिल कोशिश कीजिएगा कि साथ में नोट कर लिया जाए, रखें तो मैं जो भी बताऊं नोट कर लिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं ब्रजेश जोशी आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने सारे ग्रुप जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको इस मंच के माध्यम से इस विद्या की सही जानकारी ऐसे ही देता चला जाऊं और आप इसे सीखकर लाभान्वित हो पाएं और वहमों भरमों से निकल पाएं। जय शनिदेव। We'll be right back.